खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 52 इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में सोमवार शाम अचानक आग लग गई, जिसमें गोदाम में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर करीब 3 घंटों में दमकल विभाग की ओर से 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने काबू पाया। सोमवार शाम करीब 7:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 52 इलाके में एक फर्नीचर गोदाम में अचानक आग लग गई। आग ने एकदम इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि आग के लपटे दूर दूर तक देखी जा सकती थी। जिस जगह पर आग लगी उसके आसपास दर्जनों रेसिडेंशियल सोसाइटी बनी हुई है, लेकिन गनीमत रही कि दमकल विभाग के कर्मियों ने आग को सोसाइटियों तक नहीं पहुंचने दिया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं गनीमत की बात ये रही कि आग में कोई हताहत नहीं हुआ, आग पर लगभग काबू पा लिया गया है। और आप सब सीधी तस्वीरें में देख सकते हैं कि कितनी भीष्म रूप से आग लगी है। दमकल अधिकारी सत्यवान सांबरेवाल ने बताया कि जिस स्थान पर आग लगी है वहाँ लकड़ी से शेड बनाया हुआ है, इसमें फ्रिज एसी की मरम्मत का भी कार्य होता है। घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल के पास मकानों में रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया था। आप लोग सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आग भीष्म रूप पकड़ ली है, और वहां 18 गाड़ियों को मौके पर पहुंचाई गई ताकि घटनास्थल के पास किसी को हताहत ना हो, और फायर ब्रिगेड आकर आग बुझाने की काम किया। केएनएन मीडिया के लिए गुरुग्राम से विकास ऑलियान की रिपोर्ट। भाई साहब एक मेरा फोन देना। फोम वगैरह सब लाए हैं, फोम फोम के माने जो है भारी होता है, फिर हम फोम मिक्स कर देंगे वो हल्का हो जाएगा और आग उसको प्रकार से उड़ा देगी। इसलिए हमें फोम का इस्तेमाल करें।
देख रहा हूँ इनमें फोन है गिरा और पाउडर भी है नहीं नहीं पाउडर हमारे को 7:15 पर मैसेज आया टेलीफोन के कि ये जो वजीराबाद गांव है सेक्टर 52 में 52 में टाटा मोटर सर्विस सेंटर है, इसके साथ लगता हुआ एक फर्नीचर का गोडाउन है, इसमें बहुत बड़ी आग है। तो हमने एक साथ तुरंत 4 फायर टेंडर वहां से निकाले। जैसे ही टेंडर पहुंचे उन्होंने देखा कि आग बड़ी है और उनका मैसेज आया कि सर गाड़ी और भेजो, ये कंट्रोल होने वाले नहीं है। तो हमने तुरंत उद्योग विहार की 2 गाड़ियां, भीमनगर की 2 गाड़ियां, सेक्टर 37 से 2 गाड़ियां, मानेसर से 3 गाड़ियां, तुरंत सेक्टर 29 से 5 गाड़ियां मौके पर मूव कर दी। और उसके साथ साथ 2 गाड़ियां हमने DLF को भी मैसेज दे दिया था, DLF की भी पूरी बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। और हमने इस आग को आकर देखा तो चारों तरफ खतरा था, एक साथ में तो लग रहा था कि भाई ये जो टाटा मोटर सर्विस सेंटर है इसमें एंट्री करेगी। एक साइड में गांव था, घर थे, बहुत सारा उसमें नुकसान होने का खतरा था। इसमें से वहां पीछे गाड़ियां लगा के सारा सामान उनका खाली करवा, घर खाली करवा दिए, जिससे बहुत सारा बचाव हो गया है। अभी कोई कैजुअल्टी नहीं है, अभी फिलहाल बिल्कुल ना ही कोई कैजुअल्टी हुई ना कोई इंजर्ड हुआ, बिल्कुल सेफ है। बाकी सामान काफ़ी नुकसान दिखाई दे रहा है कि काफ़ी नुकसान हो गया है, बट ये गोडाउन पता चला है कि ये फर्नीचर का गोडाउन था, साथ में इसमें AC, कूलर, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काफ़ी भारी मात्रा में सामान रखा हुआ था। आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, जैसे हमने पता करने की कोशिश की तो किसी ने अभी हमारे को कोई इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी। लेकिन आग अभी काबू में? हाँ, अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है, खतरे से बाहर है। अब कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, अब बिल्कुल तरह से कम आधे घंटे में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। थैंक यू।